पलसुद। अवैध गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार, पलसुद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जब्त मादक पदार्थ की कीमत लगभग 1,24,000 रुपए। आरोपी कमल पिता चतर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलसुद पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पलसुद के पास ग्राम झाड़कोला के पुजारा फलिया में एक व्यक्ति ने खेत में गांजा छुपा रखा है। सूचना पर पलसुद पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कमल पिता चतर सिंह बारेलगा खेत में मच्छरदानी में सुखाने के लिए छुपा कर रखा गांजा जब्त किया। वही आरोपी कमल पिता चतर सिंह को भी गिरफ्तार किया है। पलसुद थाने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजपुर एसडीओपी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर 30 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत लगभग 1,24,000 रुपए है। नाम झाड़कोला में सर्च किया की गई। सर्च के दौरान मुखबिर से उनकी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झाड़कोला पुजारी फलिया का कमल उर्फ कमला बारेरा अपने खेत में अवैध रूप से गांजा बेचने के लिए रखा हुआ है। इस सूचना पर थाना पलसुद के स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी अनिल वर्मा के निर्देशन में उनकी पूरी टीम द्वारा वहां रेड की गई। रेड के दौरान कमल उर्फ कमला बारेला को पकड़ा गया। वह अपने खेत में एक मच्छरदानी के कपड़े में, मच्छरदानी की जो कपड़ा था उसमें गांजा रखा हुआ था। जिसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये बेचने के लिए वो रखा हुआ है। गवाहों के समक्ष, पंचानों के समक्ष उसके पास से 31 किलो गांजा बरामद किया गया है। उसको पकड़ के थाने लाया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उससे पूछा गया कि ये गांजा उसने कहां से पाया, तो उसने अभी पूछताछ में यही बताया कि उसने बीज अपने खेत में डाल दिए थे जो उगाए थे, जिससे वो गांजा बेचने के लिए ले जा रहा था। इस संबंध में और खबर जुटाई जा रही है, यदि ऐसी कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी तो वैधानिक कार्रवाई उसके की जाएगी।